हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है हिंदू लड़की ने किया इस्लाम कबूल अब पछता रही है, और इनके चैनल का नेम है एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल बैकअप। सो आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। आसमा जी एक जी, आसमा जी को ले लें सर, पहले स्क्रीन कवर कर लें। वेलकम आसमा जी, इस्तकबाल है आपका। हेलो सर, मैं ना जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, मगर हूँ भी, मैं हिंदू से मुस्लिम हुई हूँ। मेरे साथ भी बहुत बड़ा ट्रैप हुआ है, अब मुझे निकलने का, मैं कैसे निकलूँ, समझ से बाहर है। उसमें ऐसे लोगों के बीच में मुस्लिम हुई है कि बगैर शादी के मुस्लिम हुई है, ये बताएं पहले। शादी के लिए मुस्लिम हुई थी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो शादी हो गई है, तीन बच्चे पैदा कर लिए, मुझे समझ में आ रहा है लोग मेरे को ऐसा टॉर्चर कर रहे हैं, मैं क्या बोलूं, मतलब समझ से बाहर है। और मेरी फैमिली यूके में है, मैं कट्टर हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूं। बस ज्यादा ना बताओ यार, ज्यादा अपनी फैमिली इंफॉर्मेशन करो। तो बाजी बात यह है कि यहाँ तो अब आपको उनसे तलाक लेनी पड़ेगी, यहाँ आपको उनको नॉन मुस्लिम बनाना पड़ेगा। तो आप बताएं कौन सा रास्ता अपनाना चाहती हैं। मुझे यहाँ से भागने का, मेरे को इधर से भागने का है। मैं भाग के भी गई थी इधर से, मेरे को फिर वापस लेके आए ये लोग। देखिए अच्छा, ये सब लोग जरा गौर से सुने, मैं जरा आपकी बात जरा सारे लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ ताकि लोग समझ सकें। ये जो हमारे जितने भी इंडियन हिंदू लोग हैं, ये समझते हैं कि जिस तरह ये औरतें इंडिया में डिवोर्स दे सकती हैं, एक मुसलमान लड़की भी डिवोर्स दे सकती है। मुसलमान लड़की कभी डिवोर्स नहीं दे सकती, वो मुतालबा कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है फॉर अ डिवोर्स। उसे कहते हैं खुला का मुतालबा करना। एक मुसलमान लड़की जब एक बंदे के साथ शादी करती है तो वो फॉरएवर उस बंदे के साथ जुड़ गई होती है, और वो बंदे की मर्जी है कि उसे डिवोर्स करे या ना करे। तो बाजी अब ये बात ये है कि आपके अपने खानदान वालों में कितनी पसली है, वो आपको बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो बहुत सारे हल हैं, मेरे खानदान वाले बैक स्टेज में बताएंगे, यहाँ पे नहीं बताएंगे। बैक स्टेज में कैसे बताऊंगे आपको, पढ़ गए तो अब कैसे निकलने का, ये बताए ना भाई। अब निकलने के लिए पता लगना चाहिए ना कि आपकी पसली कितनी है। तो पसली जो है हम स्ट्रीम में आपसे पूछना नहीं चाह रहे। अगर आपकी पसली कमजोर है तो फिर बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी पसली जरा सॉलिड है, थोड़ी सी उसमें आसानी है। पसली सॉलिड है, सोचो मैं अगर इधर से अपने बच्चों को लेके मैं रातों रात भाग गई थी, मैं जा सकती हूँ तो फिर मैं क्या भी कर सकती हूँ। बस मेरे को एक कुछ थोड़ा मोटिवेशन भी चाहिए, थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए, जो कि सपोर्ट नहीं है मेरे पास। लाइक पेरेंट्स सपोर्ट चाहिए, पेरेंट्स का या कुछ भी। मैं किधर भी जाके जॉब भी कर सकती हूँ, सब कर सकती हूँ, मगर इन लोगों से मेरे को भागने का है। ये लोग पता कैसा है, नमाज थोपते, मेरे को नहीं पढ़ने का है, मेरे को रोजा रखने का बोलते, मेरे को नहीं रखने का, मेरे से नहीं होता ये सब। मैं क्या बोलूं, बस मैं अच्छा। इन लोगों का ऐसा है कि तुम लोग औरतें नमाज पढ़ो, आदमी नहीं पढ़ते। मेरे हस्बैंड नमाज भी नहीं पढ़ते, रोजा भी नहीं रखते, उनसे नहीं रखा जाता। मेरे को बोलते हैं, मेरे को घर का भी काम रहता है, मेरे को सब करना रहता है, छोटा सा क्लिनिक भी है, वो भी चलाती हूँ, मगर ये लोग नहीं समझते। और एक और के बात, कुरान पाक पढ़ते हैं ना, तो उसमें अल्लाह ताला हर जगह पे इनके कुरान में है, अल्लाह ताला अपने बारे में अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, मैं हूँ, मैं, मेरे को मानो, मैं हूँ, मेरे को मानो, मेरे को मानो, इसमें बोलने का क्या है। नहीं नहीं, वो अल्लाह में अपने आप को कभी नहीं प्रमोट कर रहे, कोई बंदा उनको प्रमोट कर रहा है, अल्लाह हमेशा थर्ड पर्सन में है कि अल्लाह अल्लाह है, हर जगह पे है ऐसा।
कहीं भी अल्लाह ये नहीं कहता कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, कोई कह रहा है अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है, मेरा डर है, मेरा डर है, हर हर जगह पे नहीं बोलता ना अल्लाह, वही नबी साहब बोल रहा है अल्लाह है अल्लाह है। तो बहन जी बात यह है कि आप ऐसा करें कि डिस्कॉर्ड पे जुड़े, ठीक है, या किसी ऐसे तरीके से जुड़े तो आपके साथ मजीद रابطہ करते हैं। लाइव स्ट्रीम में आपको इतनी बातें नहीं बताई जा सकती, तो क्योंकि आपका कुछ सिचुएशंस देखेंगे तो आप जवाब देंगे ना, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर निकले। और अभी आपकी स्क्रीन कवर की हुई है हमने और ये कवर ही रखेंगे सर। आपकी कल जो लाइव हुई थी ना, मैंने मेरे हस्बैंड बाजुक बैठे थे, मेरे को हर चीज पे दिलाल देते हैं, खाली वही जो बुड्ढी कचरा फेंकी बोल के वैसा था ना, वैसा वाली इन लोग मेरे को बहुत बताते, वहाँ ऐसा होता है ऐसा यहाँ होता, ये चीजें बहुत मेरे को मिली नहीं आज तक, वो बुड्ढी आज तक हमें नहीं मिली। वैसे वाले वसीले मेरे को इतने देते, रात को मैं आपका स्ट्रीम उनको सुनाई लाइव पे, इतना ज्यादा मतलब हंस रहे थे, देखो दूसरों को बात नहीं करने दे रहे, इसको बात करने दे रहे, मैं बोल रही हूँ वो बंदा आपको कुरान हदीस में दे रहा है, सही बुखारी में बता रहा है, हर चीज में आपको एक मतलब प्रॉपर प्रूफ के साथ बता रहा है, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हो, तो इसका मतलब अपन चूते है क्या? तू नहीं समझता है? देखें बात ये है, ये लोग पता कैसे, इन लोगों को बचपन से एक चीज रटा दी गई है, अल्लाह है बस, ये कुछ मानो ना मानो आप इनको प्रूफ करके दे दो, इनके सामने सब लाके दिखा दो, आप जितने स्टोरी बताते हो पूरी लाइव मूवी चला दो कि ये रियल में हो रहा है, तो भी नहीं ये लोग मानेंगे। चले आपको एक बात बोलू, अगर अगर अल्लाह अल्लाह भी उतर के जमीन पे आ जाए ना और इनको मोमिनों को बोले कि अरे मोहम्मद ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया था, तो भी वो सच नहीं मानेंगे, आपको हम बता दें। सर मैं आपको सिर्फ 3-4 days से देख रही हूँ, मैं जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं ना इनके अंदर मैं सारे पूरा देके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखती हूँ, ताकि मैं बोल सकूँ उनको, फिर इंग्लिश ट्रांसलेट सब उनको बताने के लिए, मैं सब बताने के लिए रखती हूँ, बताती भी हूँ, पर मेरे को थोड़ा सा ना मोटिवेशन अच्छे से मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ, मतलब ये जब से आपका वीडियो 3-4 दिन में मैंने, आप जितने भी है ना, ये जलेबी भाई है, एक वो साहिल भाई है, एक एडिम भाई, ये तीनों के पूरे चैनल में जाके पूरे वीडियोस जितने चैनल सब्सक्राइब कर लिए, 3 दिन से 2 दिन से मैं कॉल भी कर रही हूँ इसमें, तो बैक स्टेज पे रखा जा रहा है, कैसा बात करूँ कैसा बात करूँ समझ में नहीं आ रहा। और आप जो लाइव स्ट्रीम बता रहे हैं ना, आज न्यूज चैनल पे चल रही थी, वो भी मैं देखी और उसमें भी मैं बार बार यही मैसेज कर रही हूँ, एडिम भाई को बुलाओ बोल के। नहीं चले, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अब आप जरा ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना दे ताकि कहीं आपकी सेहत के लिए मसला ना हो। और दूसरी बात ये कि हम जलेबी बर्दाश्त नहीं करता हूँ मैं, तो एटलीस्ट बहुत सारे लोग जलेबी सुन लेते, मैं नहीं सुनता। अगर आप मेरे पास तो इन लोगों ने ऐसा मेरे को ऐसा मुस्लिम इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया कि मेरे को पेपर तक एक गल्फ कंट्री और एक इंडिया की कंट्री, सॉरी मैंने कंट्री बोल रही हूँ, उसके अंदर पेपर भी कन्वर्ट होने के होते हैं ना, औकाफ में जाके पेपर कन्वर्टेशन होता है, फिर वो होता है, फिर नाम चेंज होता है, ये पूरा ऐसा करके रखा है कि मैं किधर से भी कुछ भी नहीं कर सकती, कोई भी बोलता है तो देखो नहीं हमारे पास प्रूफ है बोल देते। अच्छा, आपने, आपने, आपने सेकुलर मैरिज एक्ट के अंदर शादी किया था या फिर इस्लाम कबूल करके निकाह किया था? इस्लाम कबूल करके निकाह किया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं गल्फ कंट्री में। अच्छा, अभी आप अगर यूपी या एमपी में है ना, ठीक है, तो आप मेरे ख्याल है ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, छोड़ देते हैं, बैक स्टेज पे बात करते भाई, इनको रखो ना बैक स्टेज पे, बिठा के रखो, अगर टाइम रहेगा ना इनके पास तो इनको रुकने दो बैक स्टेज पे, स्ट्रीम बंद करने के टाइम से इनसे बात कर लो ना आप लोग। चलो ठीक है, हमारे साथ आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर ले यार, जलेबी भाई इनको जरा अपना डिस्कॉर्ड सर्वर दे दे जरा इनको, मैंने प्राइवेट चैट में डाला हूं, नहीं मैं आपको रहती हूँ इधर प्राइवेट रूम में ही रहती हूँ। ये डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लें आप, ये डिस्कॉर्ड का लिंक दिया है ना प्राइवेट चैट में, इसको ज्वाइन कर लें इस ऐप को, एक सेकंड, तो यहाँ पे आपसे गपशप लगाते हैं। जी सर मिल गया। चलें यहाँ पे आप तो आपसे फिर ना बैक स्टेज में जो गपशप लगाते हैं, स्ट्रीम में ये वाली गपशप लगाने वाली नहीं है, ये एक्सेप्ट इनवाइट है ना। हाँ जी, एक्सेप्ट करें, पूरा एक प्रोसेस होगा, यूजर नेम बनेगा, सब कुछ बनेगा, तो आप इसको ज्वाइन कर लें, टाइम लगेगा आपका, थोड़ा सा टाइम लगाएं। ये मेरे को इंस्टॉल करना पड़ता है ना? जी जी जी, अभी आप ब्राउजर में हो जाएगा, बाद में इंस्टॉल भी कर लेंगे, ऐप भी है। ठीक है सर, मैं अभी बैक स्टेज पे रहती हूं, उसके बाद में इसको इंस्टॉल करती हूं, या फिर अभी कर लूं? अभी कर लें, इसको करें पहले, अभी कर ले, चाहिए तो आप वापस जुड़ भी सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो तो मैं आपके पास उधर वीडियो पे आके कर सकती हूँ,
ठीक है सर, आप किसी और से जब तक बात कर लीजिए, मैं ये जो भी फॉर्मेलिटीज है कंप्लीट करती हूँ। हाँ हाँ, ये होता है जनाब, आप सबको, तमाम खवातीन को मैं हमेशा कहता हूँ, बड़ा सोच समझ के कदम उठाया करो, ट्रैप में ना फंसा करो, सारी जिंदगी के लिए ट्रैप में फंस जाती हो तुम लोग, और लोगों का अंदाजा ही नहीं है कैसी जिंदगी तुम लोग गुजार रही होती हो, मुस्लिमों के बीच में जाके फंस जाती हो। जी भाई, सेकुलर मैरिज एक्ट के अंदर भी अगर आप मोमिन से शादी करती हो ना, तो भी आपके पास इतना ये नहीं होता है, क्योंकि वो जो मुस्लिम मतलब फैमिली है वो आपकी शादी को कभी भी मानेगी ही नहीं जब तक आप इस्लाम कबूल करके शादी नहीं कर रही हो। तो फिर मेरे को तो लगता है कि यहाँ तो लॉ में चेंजेस आने चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए इंडियन लॉ, जो सेकुलर मैरिज एक्ट है, या फिर आप लोग ये चीज से बचो, इस्लाम को समझो, और इस्लाम से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। बेशक। वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और मैं इसके ऊपर यही कहूंगी कि तीन बच्चे पैदा करने के बाद आप इसको होश आ रही है कि मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मतलब तीन बच्चे ये थोड़ी ना है कि एक ही साथ इसने पैदा कर दिए हैं। जरी सी बात है, कोई 8-10 साल तो इसकी शादी को हो ही गए होंगे, चलो एक एक साल, अब मैं पूरी कैलकुलेशन कर रही हूँ, एक एक साल भी अगर गैप इसने लिया बच्चों में तो कम से कम 5-6 साल तो फिर भी हो ही गए हैं। ठीक है, तो इतनी मतलब आप आके इसको याद आ रहा है कि यार जब बच्चे पैदा कर रही थी तब नहीं तुम्हें ख्याल आ रहा था कि मेरे से ये काम नहीं हो रहे हैं, मेरे से नमाज नहीं पढ़ी जा रही, या मेरे से रोजे नहीं रखे जा रहे, तो ये कोई वो नहीं है, ये हर किसी का अपना फेल है, तुमसे नहीं रखे जा रहे, तुम मत रखो, तुम खुद जवाब दो इस चीज की, तुमसे नमाज नहीं तुम्हें पढ़ी जा रही, मत पढ़ो तुम्हें ये। और ये भी इसने नहीं बताया कि मुझे फोर्स किया जाता है, ये टॉर्चर किया जाता है कि तुम क्यों नहीं नमाज पढ़ रही, जबरदस्ती रखवाते हैं बोला यार, जबरदस्ती चलो रखवाते हैं, ठीक है जबरदस्ती रखवाते, लेकिन जब ये कन्वर्ट हो रही थी या जब इसको प्यार में पड़ी थी तब ये तो सबको ही पता होता है भाई, और किसी ना किसी की खबर हो ना हो, मुसलमानों की हर किसी को खबर होती है कि मुसलमान दिन में 5 नमाजें पढ़ते हैं, मुसलमान इतने रोजे रखते हैं, मुसलमान मस्जिदों में जाते हैं, मुसलमान जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, ये सबको पता है, ये मान ही नहीं सकती कि किसी को ये चीज पहले ना पता हो। तो जब आपको ये पहले चीज पता थी तो आप फिर क्यों कन्वर्ट हुई, चले अब आप प्यार में हो ही गई हैं तो अब उस प्यार को ही फिर निभालो, उस प्यार के लिए ये सब चीजें बर्दाश्त कर लो, जो अपने हस्बैंड से, या तो ये कहो कि मेरे दिल से उतर गया, मेरा हस्बैंड जो है बूढ़ा हो गया, अब मेरे दिल से उतर गया, बूढ़ा हो गया, तो मैं यही बोलूंगी ना, जब वो रोजे नहीं रख सकता तो फिर बूढ़ा ही है ना, और भी मैं क्या बोलूं, मतलब अगर आपने प्यार किया, प्यार के लिए इतनी कुर्बानी दी, अपने घर वालों को भी छोड़ा है, कन्वर्ट हो गई थी, अपने मजहब को छोड़ दिया सब कुछ, मतलब ये सोचो कि उसको कितना प्यार होगा उसके साथ, कि अपने मजहब को भी छोड़ दिया, सब चीजें छोड़ छाड़ के, पेरेंट्स भी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो कह रही है कि सपोर्ट नहीं है पेरेंट्स का भी, तुम अगर आई हो तो फिर ये सब चीजें तो मुझे नहीं लगता अभी मायने है। इसी तरह से एक और स्ट्रीम में एक बंदा आया था जो कह रहा था कि मैं खतना भी कराने को तैयार हूँ इस उम्र में, कि मतलब प्यार के लिए, वो भी प्यार से शादी, प्यार की शादी करना चाह रहा था, तो मतलब आप तुम्हें इतनी वो नजर आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हस्बैंड है ना वो इसका ठीक है, क्योंकि जैसे वो कह रही थी कि मैं रात को बच्चे लेके निकल गई थी, लेकिन फिर मुझे वो ले आया है ना, कोई कदर करता है तो तुम्हें लेके आया ना, वरना ये कहता कि यार जाने तो दफा करो, ये तो मेरे मजहब को अब इनकार कर रही है, मेरी बात भी नहीं मान रही, दफा करो, जाती है तो जाए, बच्चे रख लेता, तुम लोग दिखाते हो ना बहुत उसको कहते हैं हॉरिबल होते हैं मुसलमान मर्द जो है, बच्चे रख देता, इसको दफा करता कि जाओ तुम दफा, तुम्हारे तो पेरेंट्स भी नहीं है कोई, तुम्हारा आगा पीछा नहीं है, जाओ जहाँ जाती हो दफा हो जाओ, तो मतलब उसने ये भी नहीं किया, बच्चे भी नहीं रखे, तो वो फिर शरीफ ही है, लड़की खराब है, लड़की तू ठीक नहीं है। या मुझे समझ नहीं आती ये प्यार कैसा अंधा होता है, कि देखो इसने अपना कितनी बड़ी साड़ी तो है ना, ये जो इतने बड़ी साड़ी मतलब काफी इसकी एज तो है ना, कि ये मतलब इतने सालों बाद आप जाके जो है वो इसको याद आया प्यार में पढ़ती कि मैं अपना जो हिंदू मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं जो वो इस्लाम कबूल कर लेती हूँ, तो तुमसे जो है ना मेरे ख्याल से इसके हस्बैंड को जो है ना वो एग्रीमेंट लिखवा लेना चाहिए था कि भाई अगर तुम्हें ये कह रही है ना कि जैसे मुझे फोर्सफुली जो है वो कहते हैं नमाज पढ़ो, तो इसे एग्रीमेंट लिखवा लेना चाहिए था कि तुमने ये सारे काम करने हैं, अगर तुम ये सब काम कर सकती हो तो फिर ठीक है इस्लाम कबूल करो। मुझे तो इसका हस्बैंड भी जो है वो इसने जो वर्ड यूज किया था चूतिया वो ही लगता है कि मतलब उसे एक बेबी नहीं संभाली जा रही, यार क्या हालत हो गई है। और भाई तुम क्यों मुसलमान हुई हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं इस वीडियो पे क्या बोलूं, मेरे पास कुछ कहने को कुछ नहीं, क्योंकि इंतहाई फजूल किस्म की वीडियो थी जो भाग के भी आ गई। यार तुम्हें अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए,
तो वो भाग के चली गई और तुम फिर वापस आ गए और उसने फिर उसी कुछ दिली से तुम्हें रखा है। जैसे कहती कि मैंने तुम्हारा एक्स मुस्लिम की स्टीन जो है वो अपने हस्बैंड को दिखाई और वो देख देख के हंस रहा था, तो इसके हस्बैंड को सोचना चाहिए कि यार ये हिंदू से जो है वो मुस्लिम हुई है और भागने की भी इतनी कोशिश की है, तो कहीं ये एक्स मुस्लिम के जाल में तो नहीं फंसी जा रही, उनकी बातों का असर तो नहीं इसके ऊपर हो रहा। और तुम्हें खास इससे ज्यादा इसके हस्बैंड को जो है वो इसके बारे में सोचना चाहिए और तलाक देके जो है ना छुटकारा हासिल करना चाहिए। वैसे भी इस्लाम में आपके मुताबिक आदमियों को चार शादियों की इजाजत है, तो दफा मारो और बाकी दूसरी शादी उसकी करो। हाँ, इसका हस्बैंड अगर सुन रहा है ना तो दफा करो इसको, दूसरी शादी करो किसी अच्छी लड़की से, मुसलमान लड़की से। सो कह रही है तो हमारा आज का रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।